ये तुमने तरबियत की है सुल्ताना अपनी बेटी की? ये कुछ सिखाया तुमने उसे? आज पहली मर्तबा किसी मेहमान के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। अरे लड़कियों के रिश्ते घर के बर्तन देख के नहीं, लड़कियों का सलीका देख के किए जाते हैं। मैंने अनिका को समझाया है, बहुत डांटा है मैंने उसे। उसे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसको बड़े छोटे की तमीज ही नहीं सिखाई है। जो उसका दिल चाहता है अपनी मनमानी करती फिरती है। अरे आखिर फातिमा भी तो है इस घर में, मजाल है जो शफीक से ऊंची आवाज में बात कर ले। अरे तुम्हारी बेटी है कि तुम्हारे ही सामने सारे मेहमानों को जलील कर चली आई। भाभी मैं आपको कैसे बताऊं, मैं समझाती हूँ डांटती हूँ मगर बहुत ज्यादा सख्ती तो नहीं कर सकती। फिर बाप की बच्ची है वो, अगर ज्यादा सख्ती करूं तो कहीं वो मेरे तो एक तरफ कुआ है दूसरी तरफ खाई। अरे सबसे पहले तुम उसे तमीज सिखाओ, अगर उसे ये रिश्ता पसंद नहीं था तो भाई एक मुहज्जब तरीके से मना किया जाएगा ना, ना कि घर आए मेहमान को जलील कर दें। जी भाभी जी, मैं अनिका की तरफ से आपसे माफी। अरे बस बस रहने दो सुल्ताना, तुम कितनी बातों की माफी मांगोगी, अनिका का तो हर काम निराला है। देखो सुल्ताना अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम होश के नाखून लो और सिखाओ कुछ तमीज अपनी बेटी को। अरे लड़की जात है, कल को कहीं तुम्हें पछताना ना पड़ जाए।